है ना बिल्डर का सर, यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा समस्या है और अपने जो भी बच्चे हैं इनको हम नदी पार कराते हैं सवेरे भी जब स्कूल छोड़ते हैं और जब भी बच्चे को छुट्टी होती है 2 बजे तो भी हम बच्चों को लेने आते हैं अपने, और कई बार तो इतना ज़्यादा पानी हो जाता है नदी में कि हमारे बच्चे को हफ्ता हफ्ता स्कूल में नहीं आ पाते। सरकार को आपने इस बारे अवगत कराया या नहीं? कई बार अवगत कराया जी, लेकिन हम गरीब को कोई नहीं सुनता जी। कितने गांव हैं इससे पीछे जिन यहाँ से बच्चे? 5 गांव हैं जी। कौन कौन से गांव हैं? अपना कोकर है जी, खैरी है, ढाड वाली बाग गाँव है जी, एक अंबोआ। तो कौन से ब्लॉक में पड़ता है ये? जो हम करमा हमारे बच्चे बाहर मजदूरी करन भी जा, स्कूलों में भी जा और हमें जो कहीं जा तो लोग हर कुछ भी बोला जी, और हम रोटी पानी बनाने की सामान लेकर आने की बाहर तो बहुत दिक्कत है जी, बच्चे हमारे बीमार हो जाएंगे, हम किस तरह दवाई लेने जाएं जी? मेरे पास बच्चा बहुत बीमार है जी, इस बच्चे को किस तरह लेकर मैं दवाई को जाऊँ? यहाँ पर ना 20 लाख रुपया आया था जी और सरपंच ने वापस कर दिया, यहाँ मानो बहुत दिक्कत आई, यहाँ बच्चों बहुत प्रॉब्लम आ टपने की जी, हमारा कोई सरपंच ने कोई काम नहीं किया है। कितने बच्चे होंगे आपके जो यहाँ पे आते हैं स्कूल? यहाँ 50 बच्चा होगा जी, 5 गाँव का। रखते भी क्वेश्चन करी, फिर फॉरेस्ट से भी क्वेश्चन करी, फिर मैडम रितिका शर्मा जी के पास भी मैं 2-3 बारी आया, मौके पर अफसर देखने भी आ लिए, किसी ने कार्रवाई नहीं करी है। जो अफसर आए हैं उन लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया था? कुछ नहीं, यहाँ देख कर मुड़ जाते, यहाँ नदी के किनारे आते वापस मुड़ जाते, किसी ने सुनाई नहीं करी है। वहाँ से मैडम प्लाथरे में मैडम आई भी थी, उसने चंडीगढ़ के अफसर भेज दिए थे, पुराण का कुछ नहीं उन्होंने कार्रवाई करी है, देख कर वापस मुड़ गए। फोन करा जी, हमारे बच्चे को आप ले जाओ यहाँ पे बैठा हुआ जियो, बच्चा कैसे टप सका, डर जाए बच्चा, क्यों ऐसे टप भी जाए बच्चा, फिर भी समस्या खड़ी हो जाए, हम बच्चों को ना बोलते हैं भी बार से तो आपको टपना नहीं है। 1 किलोमीटर तक रुकी एक लड़की थी पिछले परसों की बात है, जो 1 किलोमीटर तक रोक के रस्सी पैको तो इधर से मास्टर एक पढ़ाने जाता ऊपर गाँव में, वो आ गया, उसने देख ली, उसने फोन कराया जी, उसने रस्से में गए जब वो लड़की टपवाई तो लड़की टप डब दी, फिर गिर गई, जो 5-7 लड़कियाँ थी वह इधर ही खेत पर आली टपाई जी, लखाई वहीं रही, फिर मैं सवेर नू ले गए हैं जी उन्होंने का बीमार कुछ ही ला करो रास्ते का। किसके पास गए थे? लतिका के पास। वो कह रहे जी करांगे, वह गई पर पास का पार देखने को, वह वहाँ पर की बात वहीं रहेगी जी, वह भी फिर उसने मारा 3 फेर चली उसके पास, मारा कोई 3 घंटे बाद क्रॉस कराया जी उसने नदी, कुछ सुनाई नहीं करी मारी, किसी ने भी मारी सुनाई नहीं करी, फिर भी महिला ने भी सुनाई नहीं करी, 3 घंटे नदी के किनारा बैठ कर चेयरमैन भी था जी, जिला प्रसिद्धाला भी था, सारे सदस्य उसी के साथ थे। बहुत बड़ी समस्या है जी, जैसे हमारे पास प्राइमरी के भी 8वीं क्लास तक के भी जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो ये नदी क्योंकि मौसम का पता नहीं चलता है, कई बार यहाँ मौसम बहुत साफ होता है परंतु ऊपर बारिश होती है तो अचानक बारिश के कारण नदियों में पानी आ जाता है, तो वो उनके लिए मतलब जीवन का संकट है। थोड़ा सा भी हमें मौसम का एहसास होता है तो यहाँ से टीचर को भेजना पड़ता है जो नदी पार करवाए, कई बार टीचर के लिए भी संभव नहीं हो पाता है, पानी इतना ज़्यादा होता है, तो मतलब घर जाने के बाद भी हमें ये चिंता रहती है कि पता नहीं वो घर तक ठीक ठाक पहुंचे होंगे या नहीं पहुंचे होंगे, तो ये बहुत मेजर समस्या है हमारे लिए, बच्चे आ भी नहीं पाते हैं कई बार उन दिनों में, या पूरे दिन हम उनको रख नहीं पाते हैं क्योंकि मौसम खराब होते ही हमें उनको भेजना पड़ता है, पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है फोन करके कि आप उनको ले जाइए। चलो वो तो गाँव वालों ने टोटल बच्चे बताए थे ना जी हमें, तो सर ये परसों का वाक्य है, तो उसमें बरसात छुट्टी के बाद जब बरसात बहुत ज़्यादा थी तो मैं बच्चों को लेकर नदी पे गया, तो वहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा आया हुआ था, बच्चे छोटे थे वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो साथ में ही वहाँ नदी के पास एक घर है, वहाँ से मैंने
एक रस्सी की वो मंगवाई, मोटी सी रस्सी, और बच्चों के साथ मिल करके उस नदी को मैंने उधर ले जाके दूसरी साइड में पहले नदी खुद पार की, वहाँ पे बच्चे को छोड़ के आया, रस्सी वहाँ पर बांध करके फिर मैं इस साइड दोबारा आया। एक एक करके बच्चों को उस रस्सी की सहायता से मैंने वहाँ स्कूल से अपना गाँव की तरफ पार कराया। तो इस तरह मतलब और भी स्कूल है जो दूसरा सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे एक उसके बच्चे थे, वो भी 35 बच्चे हो गए थे, उनको भी उस रस्सी की मदद से मैंने पार कराई थी। समस्या को गंभीरता से देखा है, आपका क्या कहना है इस बारे जो नदी में पानी आता है? सर मैं यहाँ स्कूल में 12 साल से सर्विस कर रही हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ के गांव के लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इस नदी के कारण, और बच्चे तो परेशान हैं ही हैं। कई बार बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मैं अकेली टीचर रहती हूँ स्कूल में, अब तो चलो सर है मेरे साथ ही, लेकिन अकेली टीचर होने के बावजूद भी मुझे बच्चों को भी छोड़ के आना पड़ता है, या इनके रिजल्ट पर भी असर पड़ता है इस बात का कि बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। और मैंने ये भी देखा है कि गर्भवती महिलाएं जो है वो भी इससे बड़ी परेशान होती हैं, जो डॉक्टर्स की टीम आती है वो यहाँ स्कूल में उनको बुलाते हैं कि यहाँ आओ, या फिर वो जाते हैं, मतलब डॉक्टर्स के लिए भी ये परेशानी है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये परेशानी है। मैंने इन गाँव के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए यहाँ पर देखा है।